हेलो स्टूडेंट क्लास फिफ्थ, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम जीके के चैप्टर्स पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 15 इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, इसके बाद चैप्टर नंबर 16 भी करेंगे, फर्स्ट इन इंडियन गवर्नमेंट, भारत की सरकार में जो प्रथम व्यक्ति चुने गए थे। इसके बाद हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 17 लैंडमार्क्स ऑफ इंडिया, एंड लास्ट में चैप्टर नंबर 18 इंडियन फेस्टिवल, भारतीय त्यौहार। तो ये चारों चैप्टर हम करेंगे। इसमें आप चैप्टर नंबर 15 एंड चैप्टर नंबर 16 ये आप अपनी कॉपी में करेंगे। चैप्टर नंबर 17 आप बुक में करेंगे, चैप्टर नंबर 18 भी आप अपनी कॉपी में करेंगे। सो लेट्स वी स्टार्ट। चैप्टर नंबर 15 इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, इसमें कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, फिल इन द ब्लैंक्स और मैचिंग दिए हुए हैं, जो आप भारत की आज़ादी के लिए लड़ी गई थी उससे रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स फर्स्ट। सरोजनी नायडू वाज नोन एज डैश बिकॉज ऑफ हर स्वीट वॉइस एंड पोएटिक माइंड। जो सरोजनी नायडू थी उनको कहा जाता था नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। नाइटिंगेल का मतलब होता कोकिला, कोयल, भारत की कोकिला, क्योंकि उनकी आवाज़ जो थी बहुत सुरीली थी और वो पोएटिक माइंड का मतलब वो कविताएँ लिखती थी, इसलिए उनको नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, भारत की कोकिला कहा जाता था। लाला लाजपत राय पॉपुलरली नोन एज लॉयन ऑफ पंजाब फॉर्म द इंडियन होम लीग सोसाइटी ऑफ अमेरिका। जो लाला लाजपत राय थे उनको लॉयन ऑफ पंजाब, पंजाब का शेर कहा जाता था, और उन्होंने अमेरिका में इंडियन होम लीग सोसाइटी बनाई थी, भारत के लोगों के लिए होम लीग सोसाइटी वहाँ पर बनाई थी अमेरिका में, और उनको पंजाब का शेर, लॉयन ऑफ पंजाब कहा जाता था। थर्ड इज सुभाष चंद्र बोस ऑर्गेनाइज द इंडियन नेशनल आर्मी टू फाइट द ब्रिटिश, ही वॉज जनरली कॉल्ड नेताजी बाय द पीपल। सुभाष चंद्र बोस ने जो थे उन्होंने इंडियन नेशनल आर्मी बनाई थी अंग्रेजों से लड़ने के लिए, भारत की एक राष्ट्रीय सेना बनाई थी जो अंग्रेजों से लड़ने के लिए उन्होंने बनाई थी, और उनको नेताजी बोला जाता था, लोग उनको प्यार से क्या बुलाते थे, उनका निकनेम था नेताजी। फोर्थ इज दादाभाई नौरोजी मेड पीपल अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ स्वराज। दादाभाई नौरोजी थे उन्होंने लोगों को समझाया था कि स्वराज की क्या इम्पोर्टेंस है, क्या जरूरत है, क्या आवश्यकता है। ही वॉज लविंगली नोन एज ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, उनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता था। फिफ्थ इज सरदार वल्लभ भाई पटेल स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन एंड आयरन विल अर्नड हिम ए टाइटल ऑफ आयरन मैन ऑफ इंडिया। सरदार वल्लभ भाई पटेल को उनकी इच्छा शक्ति के लिए, स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन के लिए और उनकी विल पावर के लिए, उनकी लोहे की जैसी मजबूत विल पावर थी, जो वो ठान लेते थे वो करते थे, इसलिए उनका नाम आयरन मैन ऑफ इंडिया पड़ गया था। तो उनको आयरन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता था। किनको कहा जाता था, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो यहाँ पर सरोजनी नायडू को कहा जाता था नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, लाला लाजपत राय को लॉयन ऑफ पंजाब, सुभाष चंद्र बोस जी को नेताजी, दादाभाई नेहरू जी को कहा जाता था ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, एंड सरदार वल्लभ भाई पटेल को आयरन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता था। इसके बाद आपको यहाँ पर मैचिंग है, और यहाँ पर कुछ नेताओं के नाम दिए हुए हैं, और यहाँ पर उनके द्वारा स्लोगन, जो उन्होंने नारा दिया था, तो सुभाष चंद्र बोस ने कौन सा नारा दिया था, गिव मी ब्लड एंड आई शैल गिव यू फ्रीडम, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये किन्होंने बोला था, सुभाष चंद्र बोस का दिया हुआ नारा था। महात्मा गांधी ने बोला था सत्य और अहिंसा, जो भी लड़ाई लड़ी जाएगी अंग्रेजों से वो सत्य और अहिंसा के बल पे लड़ी जाएगी। लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसको लेके रहूँगा। तो ये किन्होंने बोला था, बाल गंगाधर तिलक ने। चंद्रशेखर आज़ाद जी ने बोला था दुश्मन की गोलियों का हम सामना करेंगे, आज़ाद ही रहे हैं और आज़ाद ही रहेंगे। ये किन्होंने बोला था, चंद्रशेखर आज़ाद ने बोला था दुश्मन की गोलियों का हम सामना करेंगे, आज़ादी हैं और आज़ादी रहेंगे। तो ये इनके द्वारा दिए गए स्लोगन्स थे। इसके बाद जो आपका चैप्टर है फर्स्ट इन इंडियन गवर्नमेंट, भारत की सरकार में प्रथम व्यक्ति, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन थे, ये सबको पता होना चाहिए। फर्स्ट प्रेसिडेंट भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। पहले प्रधानमंत्री कौन थे, सेकेंड क्वेश्चन है, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो पहले राष्ट्रपति, आज़ाद भारत के पहले राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पहले प्रधानमंत्री, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया पंडित जवाहरलाल नेहरू।
पहली महिला प्रधानमंत्री, फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर, वो कौन थी? वो थी इंदिरा गांधी, श्रीमती इंदिरा गांधी। फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के पहले उपराष्ट्रपति, तो भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, और इनके बर्थडे को ही हम टीचर्स डे के रूप में मनाते हैं। 5 सितंबर को इनका बर्थडे आता है, उसको टीचर्स डे के रूप में मनाते हैं। तो ये हमारे पहले उपराष्ट्रपति थे, फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, भारत के, आज़ाद भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। कौन थे? क्वेश्चन नंबर 5, ये रहा, लॉर्ड माउंटबेटन ये थे। फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश, फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे जस्टिस हीरालाल जे कानिया। कौन थे? जस्टिस हीरालाल जे कानिया, ये भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश थे। फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर, भारत के पहले शिक्षा मंत्री, तो शिक्षा मंत्री थे हमारे अब्दुल कलाम आज़ाद। कौन थे? श्री अब्दुल कलाम आज़ाद। इसके बाद आता है आपका फर्स्ट होम मिनिस्टर, पहले गृह मंत्री, तो गृह मंत्री थे हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल, पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल। फर्स्ट वुमेन आईपीएस ऑफिसर, पहली महिला आईपीएस ऑफिसर किरण बेदी थी। कौन थी? किरण बेदी, श्रीमती किरण बेदी। फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, पहले मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन। फर्स्ट सिख प्रेसिडेंट, पहले सिख प्रेसिडेंट कौन थे? ज्ञानी जैल सिंह। कौन थे? ज्ञानी जैल सिंह। फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति, तो पहली महिला राष्ट्रपति थी श्रीमती प्रतिभा देव सिंह पाटिल। कौन थी? प्रतिभा देव सिंह पाटिल। और पहली महिला प्रधानमंत्री आपसे पूछेगा तो वो थी इंदिरा गांधी। पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? प्रतिभा देव सिंह पाटिल। फर्स्ट सिख प्राइम मिनिस्टर, पहले सिख प्राइम मिनिस्टर कौन थे? मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह। पहले सिख प्रेसिडेंट थे ज्ञानी जैल सिंह, पहले सिख प्राइम मिनिस्टर थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर फ्रॉम साउथ इंडिया, साउथ इंडिया यानी कि दक्षिण भारत से पहले प्रधानमंत्री, दक्षिण भारत से पहले प्रधानमंत्री थे श्री पीवी नरसिम्हा राव। कौन थे? श्री पीवी नरसिम्हा राव। फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा, लोकसभा का प्रथम स्पीकर, भारत के लोकसभा जो है उसके प्रथम स्पीकर कौन थे? वो थे हमारे जीवी मालवंकर। कौन थे? श्री जीवी मालवंकर। तो ये हमारे पहले लोकसभा के स्पीकर थे। इसके बाद आपका आता लैंडमार्क्स ऑफ इंडिया, भारत के कुछ लैंडमार्क्स हैं उनके बारे में ये चैप्टर है। तो ये वाला चैप्टर आप अपनी बुक में ही करेंगे। इसमें आपको यहाँ पर चित्र दिए हुए हैं और यहाँ पर उनके बारे में बताया गया, उनका आपको नाम लिखने हैं। इट वॉज बिल्ड बाय 5th-6th गुरु। ये जो चित्र आपको दिया हुआ है ये जो सिखों के 5वें गुरु थे उनके द्वारा बनाया गया था, और उनका नाम था श्री गुरु अर्जन देव जी। गुरु अर्जन देव जी ने ये टेम्पल बनाया था, सिखों के 5वें गुरु थे। इट इज़ आल्सो नोन एज हरमिंदर साहिब। इस टेम्पल को श्री हरमिंदर साहिब भी बोलते हैं। इट वॉज बिल्ट टू द हाउस ऑफ श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी, और यहाँ पर सिखों की जो होली बुक है, जो धार्मिक ग्रंथ है गुरु ग्रंथ साहिब जी, वो रखी गई हैं। इट इज़ अ प्लेस ऑफ वर्शिप ऑफ सिख, यहाँ पर सिख जो होते हैं वो पूजा करने आते हैं। इट डोम इज कवर्ड विद गोल्ड, इसका जो गुंबद है वो सोने से बना हुआ है, सोना इस पर चढ़ा हुआ है। एंड इट्स बिल्ट इन द मिडल ऑफ होलीपुर, और इसके चारों तरफ एक तालाब है जिसको अमृत सरोवर भी कहते हैं। तो कौन सी जगह आई? गोल्डन टेम्पल। फिर यहाँ पर आपको दूसरा चित्र दिया हुआ है। इट वॉज बिल्ट बाय मुगल एम्परर शाहजहाँ इन द मेमोरी ऑफ हिज वाइफ मुमताज महल। यह मुगल शासक शाहजहाँ ने बनाया था अपनी वाइफ, अपनी पत्नी नूरजहाँ की, सॉरी मुमताज महल की याद में। दिस बिल्डिंग एक्सेप्शनली ब्यूटी एंड ग्रेट क्राफ्टमैन हैज प्लेस इन द कैटेगरी ऑफ इंडिया ग्रेटेस्ट वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड। और यह जो बिल्डिंग है, यह जो गुम्बद है, इसको विश्व के 7 आश्चर्य में ही आती है। बहुत सुंदर है, इसलिए ये विश्व के, इसकी अपनी सुंदरता खूबसूरती के कारण ये विश्व के जो 7 वंडर्स ऑफ वर्ल्ड हैं, 7 आश्चर्य हैं, उनमें आती है। यह आगरा में यमुना नदी के किनारे स्थित है, इसके यमुना नदी जो है आगरा में बहती है उसके किनारे स्थित है। द टॉम्ब ऑफ शाहजहाँ मुमताज महल मेक इट एन इमॉर्टल सिंबल ऑफ लव। और ये शाहजहाँ ने अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में बनाया था। तो कौन सा, क्या नाम है इसका? ताजमहल। इट इज़ ए बिल्डिंग मेड ऑफ रेड एंड पिंक सैंडस्टोन। यहाँ पर एक बिल्डिंग दी हुई है, यह लाल और
गुलाबी सैंडस्टोन से मिलकर बनी है। इट इज आल्सो नोन एज द प्लेस ऑफ विंड, और इसको प्लेस ऑफ विंड्स यानी कि हवा की जगह, यानी कि यहाँ पर मतलब जो ये इस तरह से बनाया गया है कि इसमें हवा जो होती है वो आर पार हो जाती है, तो इसे प्लेस पैलेस ऑफ विंड हवा महल कहा जाता है। इट इज़ अ फाइव स्टोरी बिल्डिंग, ये पांच मंजिला बिल्डिंग है विद 953 स्मॉल विंडो नोन एज झरोका, और इस पूरी बिल्डिंग में 953 स्मॉल विंडो खिड़कियाँ हैं जिनको झरोका कहा जाता है। वीव्ड आर्टिस्टिकली इन ए लैटिस, द मेन फंक्शन ऑफ दिस लैटिस वाज गिवन टू ग्लिम्स ऑफ सिटी लाइफ ऑफ द रॉयल लेडीज एंड कीप द पैलेस कूल। और ये इसलिए बनाया गया था क्योंकि यहाँ पर जो उस समय के राजा थे वो चाहते थे कि उनकी जो रानियाँ हैं और जो उनकी दासियाँ हैं वो यहाँ पर, जो उनके परिवार के लोग हैं वो यहाँ पर अलग अलग फ्लोर पे, जो पांच फ्लोर हैं अलग अलग फ्लोर पे अलग अलग जो फेस्टिवल है वो बनाए और वहाँ पर ठंडी हवा का झरोका आता जाता रहे, तो इसलिए इसको हवा महल कहा जाता है। राजस्थान में है ये। दीज केव्स आर नोन ऑल ओवर द वर्ल्ड फॉर दिस एक्जोटिक सेटिंग एंड इम्प्रेसिव आर्किटेक्चर। ये जो गुफाएं हैं ये पूरे विश्व में जानी जाती है अपने इम्प्रेसिव आर्किटेक्चर के कारण, क्योंकि इसके अंदर जो ड्राइंग्स हैं उस समय के शासकों ने वो एक सिंबल के तौर पे इसमें बनाई हुई हैं। डिफरेंट फिगर्स एंड पेंटिंग्स ऑन द वॉल्स ऑफ दिस केव्स आर अ विजुअल ट्रीट फॉर द आईज। बहुत सुंदर सुंदर पेंटिंग इन गुफाओं में बनी हुई है जो आँखों को बहुत सुकून देती हैं, बहुत अच्छा उनको देखने में बहुत सुंदर दृश्य दिखाई देते हैं। ईच पेंटिंग एज ए स्टोरी टेल टू टेल, हर पेंटिंग की हर पेंटिंग एक स्टोरी एक कहानी कहती है। दीज केव्स वर यूज एज ए प्लेस ऑफ वर्शिप एंड फॉर प्रीचिंग बाय बुद्धिस्ट मॉन्क्स, और इस इन गुफाओं के अंदर जो बुद्धिस्ट लोग होते थे वो वहाँ पर जाके पूजा भी करते थे। तो कौन कौन सी गुफाएँ? अजंता एंड एलोरा केव्स, अजंता और एलोरा की गुफाएँ हैं और ये महाराष्ट्र में औरंगाबाद के समीप स्थित है। इसके बाद आता है आपका, यहाँ पर एक चित्र दिया हुआ है, फोटो दी हुई है। इट इज़ द वन ऑफ द लार्जेस्ट मॉस्क इन इंडिया, भारत की सबसे बड़ी मस्जिद। इट वाज बिल्ट बाय द मुगल एम्परर शाहजहाँ, ये शाहजहाँ ने बनाई थी। इट इज़ लोकेटेड अक्रॉस रेड फोर्ट इन दिल्ली, यह रेड फोर्ट लाल किले को पार करके स्थित है। द कोर्ट यार्ड ऑफ द मॉस्क हैज़ कैपेसिटी टू हैव 25,000 वर्शिपर, और ये इतनी बड़ी मस्जिद है कि इसमें एक साथ 25,000 लोग नमाज पढ़ सकते हैं। इट वॉज बिल्ट बाय 5,000 वर्कर इन 6 ईयर्स, 6 साल में 5,000 वर्कर्स 5,000 मजदूरों ने मिलकर ये मस्जिद बनाई थी। इस मस्जिद का नाम है जामा मस्जिद। यहाँ पर फिर एक फोटो दी हुई है, ये कुतुब मीनार है। इट इज़ वन ऑफ द अर्लीस्ट सर्वाइविंग इस्लामिक स्ट्रक्चर इन इंडिया। इट कंस्ट्रक्शन वॉज स्टार्टेड बाय कुतुबुद्दीन ऐबक बट फिनिश्ड बाय अनदर किंग इल्तुतमिश। ये जो मीनार है ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनानी शुरू करी थी, लेकिन जब वो इसको पूरी नहीं कर पाए थे और उनकी मृत्यु हो गई थी, इसके बाद इसको पूरा किया था इल्तुतमिश ने। इट इज़ द वर्ल्ड टॉलेस्ट ब्रिक मीनारेट, यानी कि ये दुनिया की ईंटों से बनी हुई सबसे ऊंची मीनार है और इसकी हाइट जो है वो 237.8 फीट है। इट हैज फाइव स्टोरी सेपरेटेड बाय बालकनीज, यह पांच मंजिला मीनार है और बालकनी से ये अलग अलग होती हैं, तो इसका नाम है कुतुब मीनार। यहाँ पर फिर एक फ़ोटो दी हुई है, ये लोटस टेम्पल है, ये भाइयों का मंदिर है, जो भाई धर्म के लोग होते हैं वो यहाँ पर जाके पूजा करते हैं। दिल्ली में स्थित है और इसका जो बाहर से ऐसा देखने में लगता है कि ये कमल का फूल है, तो इसलिए इसको लोटस टेम्पल बोलते हैं। इट इज़ हेल्ड एज अ ग्रेट मार्वल ऑफ मॉडर्न आर्किटेक्चर, इट इज़ सराउंडेड बाय एकर ऑफ गार्डन, और इसके चारों तरफ बहुत बड़ा एक बगीचा भी है। तो कौन सा टेम्पल है? लोटस टेम्पल। कौन से धर्म के लोग जाते हैं यहाँ पर? भाई धर्म जो मानने वाले होते हैं वो यहाँ पर पूजा करने जाते हैं। इसके बाद ये आपको एक और चित्र दिया हुआ है, इट इज़ अ वार मेमोरियल, ये युद्ध में जो लोग शहीद हो गए थे उनकी याद में बनाया गया ब्रिटिश के समय का ये बिल्डिंग है। 90,000 इंडियन सोल्जर वर लॉस्ट देयर लाइफ इन वर्ल्ड वार फर्स्ट, वर्ल्ड वार प्रथम विश्व युद्ध में 90,000 लोगों ने जो जान गंवाई थी उनकी याद में ये बनाया गया, उनकी याद में बनाया गया ये जो गेट है उसको इंडिया गेट के नाम से जाना जाता है। इट इज़ अ 42 मीटर हाई स्ट्रक्चर बिल्ट ऑफ भरतपुर स्टोन एंड ग्रेनाइट, भरतपुर स्टोन और ग्रेनाइट से मिलकर बना हुआ है, 42 मीटर ऊँचा है। द
अमर जवान ज्योति श्राइन अंडर द गेट एंड इज अ ट्रिब्यूट टू अननोन सोल्जर हु सैक्रिफाइस देयर लाइफ फॉर द कंट्री। और इसके नीचे हर समय एक अमर जवान ज्योति नाम से एक मशाल, एक ज्योति जलती रहती है जो उन युद्ध में जो शहीद हो गए थे लोग उनकी याद में जलाई जाती है। तो इसका नाम, जिस जगह का नाम क्या है, इंडिया गेट। यहाँ पर ये दिया हुआ है, इसको बोलते हैं रेड फोर्ट, लाल किला। लाल कलर के पत्थरों से मिलकर बना हुआ है, रेड सैंडस्टोन से, और ये शाहजहाँ ने बनाया था। दिस फोर्ट इज ए हारमोनियस ब्लेंडिंग ऑफ पर्शियन, यूरोपियन एंड इंडियन आर्ट एंड हैंस ए मास्टरपीस इन इटसेल्फ। यह जो किला बनाया गया है इसमें पर्शिया की, यूरोप की और इंडियन आर्ट तीनों का मिक्सचर है। इट वॉज बिल्ट फॉर ए रॉयल फैमिली। ये शाहजहाँ ने अपनी शाही परिवार के लिए बनाया था कि इसमें शाही परिवार रहेगा, उसकी फैमिली रहेगी। इट हैज़ मैनी नॉट वर्थी बिल्डिंग इनसाइड इट लाइक ए दीवाने खास एंड द नहरे बेस्ट। तो इसके अंदर और भी दूसरी बिल्डिंग है जिसमें दीवाने खास और नहरे बेस्ट नाम की दो बिल्डिंग्स हैं। तो ये बहुत बड़ा किला है और दिल्ली में स्थित है, इसको बोलते हैं रेड फोर्ट। और यहीं पे 15 अगस्त पे झंडा फहराया जाता है। इट इज़ द फाइनेस्ट एग्जाम्पल ऑफ ओरिया टेम्पल आर्ट। यहाँ पर एक मंदिर दिया हुआ है जो है कोणार्क सन टेम्पल, कोणार्क का सूर्य मंदिर। यह फाइनेस्ट एग्जाम्पल ओरिया टेम्पल आर्ट, जो उड़ीसा में, उड़ीसा की जो टेम्पल आर्ट है उसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। इट वॉज बिल्ट इन 13th century इन कोणार्क। कोणार्क में 13वीं शताब्दी में बनाया गया था और यह भगवान सूरज को समर्पित है। भगवान सूरज को समर्पित ये इकलौता मंदिर है पूरे भारत में। वॉज डिजाइन इन द फॉर्म ऑफ चैरियट ऑफ सूर्य, और ये इस तरह से बनाया गया जैसे सूरज का घोड़ा, सूरज का रथ होता है, सूरज के रथ की तरह इसको डिजाइन किया गया। इट मैजेस्टी अपीरेंस एंड ग्रैंडियर मेक इट वन ऑफ द मोस्ट सेलिब मोन्यूमेंट्स इन इंडिया। और ये भारत में इस वक्त बनाया गया, मतलब ये इस तरह से दिखाई देता है कि बहुत ही सुंदर और बहुत ही मतलब बड़ा ये मंदिर है और इकलौता मंदिर है सूर्य भगवान का पूरे भारत में। कौन सा है? कोणार्क सन टेम्पल। कौन सा है? कोणार्क सन टेम्पल। इसके बाद आपका इंडियन फेस्टिवल नाम का लास्ट चैप्टर है ये। होली एंड दिवाली आर द मेजर हिंदू फेस्टिवल। होली और दिवाली कौन मनाता है? हिंदू फेस्टिवल है, हिंदू मनाते हैं। पोंगल इज सेलिब्रेटेड फॉर 3 days। पोंगल कितने दिन मनाया जाता है? 3 दिन मनाया जाता है। और कौन से स्टेट में मनाया जाता है? तमिलनाडु में इसको मनाते हैं। ओनम इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फेस्टिवल ऑफ केरला। ओनम जो है वो कौन से स्टेट में मनाया जाता है? केरला में मनाया जाता है। फैमिली गेट टुगेदर एंड फीस्ट आर ऑर्गेनाइज टू सेलिब्रेट ईद उल फित्र बाय मुस्लिम। मुस्लिम जो होते हैं कौन सा त्यौहार मनाते हैं जिसमें उनकी सारी फैमिली और उनके जो रिश्तेदार होते हैं, वो फ्रेंड जो होते हैं, वो इकट्ठा होते हैं और वो दावत, फीस्ट मतलब दावत करते हैं। तो कौन सा है? ईद उल फित्र। ईद मनाते हैं, कौन मनाता है? मुस्लिम। बर्थ एनिवर्सरी ऑफ गुरु नानक देव इज सेलिब्रेटेड एज गुरु पूरब इन पंजाब। पंजाब में गुरु पर्व, जो गुरु नानक देव का जो बर्थ होता है वो पंजाब में मनाया जाता है गुरु पर्व की तरह। महावीर जयंती कौन मनाता है? जैन कम्युनिटी बनाती है। बुद्ध पूर्णिमा लॉर्ड बुद्धा की जो बर्थ एनिवर्सरी होती है, लॉर्ड बुद्धा का जो जन्मदिन होता है उस दिन बुद्ध पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। मुहर्रम जो है वो सेलिब्रेट करते हैं प्रॉफेट मोहम्मद, जो मुसलमानों के जो गुरु होते प्रॉफेट मोहम्मद हजरत मैम ईसान, उनकी शहादत की याद में वो मुहर्रम मनाते हैं। चलियो साहिब इज सेलिब्रेटेड बाय द सिंधी। चलियो साहिब नाम का एक फेस्टिवल है जो सिंधी लोग मनाते हैं। करवा चौथ इज द फास्ट कैप्ट बाय इंडियन हिंदू वुमेन फॉर द प्रॉस्पेरिटी एंड लॉन्ग लाइफ फॉर देयर हस्बैंड। करवा चौथ का जो व्रत होता है वो हिंदू औरतें रखती हैं, और किस लिए रखती हैं? जिससे उनके जो हस्बैंड हैं, उनके जो पति हैं, उनकी लाइफ जो है वो बढ़ जाए, उनकी लाइफ मतलब जो उनकी उम्र है वो बढ़ जाए। ईस्टर एंड गुड फ्राइडे आर क्रिश्चियन फेस्टिवल। ईस्टर और गुड फ्राइडे ईसाई लोग मनाते हैं। गॉडेस दुर्गा एंड हर 9 फॉर्म्स आर वर्शिप ड्यूरिंग नवरात्रि। भगवान माता देवी दुर्गा और उनके जो 9 अवतार हैं, 9 फॉर्म्स हैं, उनकी पूजा होती है नवरात्रि के दिनों में। ऑन द डे ऑफ गणेश चतुर्थी लार्ज आइडल्स ऑफ लॉर्ड गणेशा आर इमर्ज्ड इनटू वाटर बॉडीज। गणेश चतुर्थी के दिन भगवान लॉर्ड गणेशा, भगवान गणेशा की बड़ी बड़ी मूर्तियों को पानी में विसर्जित किया जाता है। क्रिसमस इज अ चीयरफुल फेस्टिवल। क्रिसमस एक बहुत ही चीयरफुल फेस्टिवल है विच सेलिब्रेट द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ, जो किस लिए मनाया जाता है? जो लॉर्ड जीसस क्राइस्ट थे उनकी जन्मदिन की एनिवर्सरी में के रूप में मनाते हैं। बंगाला फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन मेघालय। बंगाला फेस्टिवल मेघालय में मनाया जाता है।
तो ये जो चारों चैप्टर है इसमें आपको 16, 17, 15, 16 और 18 आप अपनी कॉपी में करेंगे, चैप्टर 17 आप अपनी बुक में ही करेंगे। थैंक यू।